गेहूं के खेत एवं नरवाई में आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ, 10 बीघा की फसल जलकर खाक हो गई तथा सैकड़ों पेड़ एवं पाइपलाइन केबल भी जल गई। नमस्कार, मैं हूं शिवम कुशवाहा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। विदिशा जिले के पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला बगोदा बनोई एवं भूसा बनाने के लिए खड़ी नरवाई में अचानक आग लग जाने से लाखों का नुकसान हो गया। वहीं ब्रिजभान सिंह शिवराज सिंह के करीब 10 बीघा खड़ी फसल पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। वहीं बगोदा एवं बाबई में पाइपलाइन लाइट केबल एवं फल द्वारा सैकड़ों पेड़ जलकर खाक हो गए। खेतों में खड़ी फसल पूरी तरह जलकर खाक हो गई। नरवाई में आग लगते लगते बाबई खुर्द बगोदा के आसपास पहुंच गई, जो पहाड़ पर भी फैल गई थी। आग पर बनो बाबई, बाबई कला, परसोरा, टपरा एवं आसपास के लोगों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन खड़ी फसल एवं अन्य सामग्री को नहीं बचा सके। बगोदा के कृषक प्रेम सिंह ठाकुर बाबू सिंह ठाकुर ने बताया कि आग करीबन 2 किलोमीटर दूर से आई थी। हवा तेज होने के कारण कुछ ही समय लगा जब तक साफ हो चुका था। आसपास के लोग आग देखकर तुरंत मौके पर पहुंचे। जैसे तैसे उन्होंने आग पर काबू पाया एवं आगे ना जा पाए उसकी व्यवस्था की फायर ब्रिगेड को सूचना दी, परंतु वह देर से पहुंची जब तक आग पर काबू पा लिया गया था। बाबू सिंह ठाकुर ने बताया कि भूसा के लिए नरवाई खड़ी थी। मैं क्या जानता था कि ऐसी घटना भी घट सकती है। खेत में पड़े पाइप, डीपी से लगी केबल लाइन, खेत के आसपास खड़े फलदार पेड़ पूरी तरह खत्म हो चुके हैं। इसकी सूचना उन्होंने आला अफसरों को दी। मौके पर तहसीलदार रमेश मेहरा पटवारी ने मौका मुआयना किया ताकि पीड़ित किसान को जल्द से जल्द मुआवजा मिल सके। मिस्सा पठारी से आशीष सहेले की रिपोर्ट। बने रहिए द खबरदार न्यूज के साथ।